अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कियानी हर्बलिस्ट। रोज़ा और सेहत के हवाले से आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हार्ट हेल्थ, दिल की बीमारियां और दिल की बीमारियों में रोज़े के असरात। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे बड़ा जो मेजर कॉज है इंसानी ज़िंदगी की खात्मे का, वो हार्ट की बीमारियां और हार्ट हेल्थ के इश्यूज हैं। पाकिस्तान में भी इसका रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल की बीमारियां बच्चों में भी होती हैं, बड़ी उम्र में भी होती हैं और अब यंग एज में भी इसकी शरह 35% तक बढ़ गई है। दिल की कुछ तो आम सी बीमारियां होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती या कमी, और कुछ इसके ऑब्स्ट्रक्टिव एस्पेक्ट होते हैं जिसमें नालियों की बंदिश होती है, नालियां सिकुड़ जाती हैं और उसके बाद फिर इस्कीमिया और एंजाइना की तकालीफ होती हैं, जिसको दर्द कल्ब कहते हैं। बहरहाल उसके बाद डिफरेंट शक्लें हैं इसकी, हार्ट अटैक और कार्डियो फेलियर है, डिफरेंट शक्लें हैं, लेकिन जो बेसिक उसमें पैथोलॉजी और स्ट्रक्चरल जो एक इशू आता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसमें नालियां सख्त हो जाती हैं और नालियों में बंदिश होती है, ब्लॉकेज होता है। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिजीज़ हैं उसके अंदर आपके वेल्व्स के इशू होते हैं कि वेल्व आपके काम नहीं कर रहे होते या बंद हो जाते हैं, और कुछ पैदाइशी किस्म की बीमारियां जिसमें ASD और डिफरेंट VSD वगैरह, जिसमें सेप्टल इश्यूज होते हैं कि सुराख होता है और खून जो है वो मिक्स हो जाता है, ठीक तरीके से सर्कुलेट नहीं करता, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन डिजीज़ है वो दिल के रगों की है और दिल के वॉल की है। अब इसमें रोज़े के ओवरऑल जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत अच्छे इसलिए होते हैं कि तकरीबन तमाम दिल की बीमारियों में पानी का इस्तेमाल वैसे ही कम होता है, और इसके अलावा नमक और चिकनाई का इस्तेमाल भी कम होता है। तो रोज़े में चूंकि हम तकरीबन 16 घंटे बगैर पानी के, बगैर खुराक के रहते हैं, तो ये चीज़ जो है वो रोज़े की जो कैफियत है वो दिल की बीमारियों में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखती है। यही वजह है कि दिल के ऐसे मरीज़ जो स्टेबल हैं, मेडिसिन से कंट्रोल लेवल पर हैं और उनमें कोई फ्लैक्चुएशन या कोई कैजुअलिटी नहीं होती, वो रोज़े को बहुत अच्छे से अवेल कर सकते हैं और रोज़ा उनके ऊपर बहुत अच्छे असरात रखेगा। लेकिन अनस्टेबिलिटी जिसमें आपका रिदम, हार्ट रेट अचानक से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है या आप हाइपो में भी जाते हो, ब्लड प्रेशर बहुत शूट करता है या आप बहुत ज़्यादा कमी में चले जाते हो, और उसके साथ साथ आप बहुत सारी दवाइयों के साथ आप चल रहे हो जिसमें डायरेटिक टाइप की भी हैं, एंटी एंजाइटी भी हैं, तो क्योंकि दिल के मरीज़ एक वक्त में 4 से 6 दवाएं ले रहे होते हैं और उसमें फिर डिहाइड्रेशन भी होता है, तो ऐसी सूरत में रोज़े को अवॉइड करना ही होता है। बहरहाल एक असेसमेंट आपके कंसल्टेंट्स के साथ आपको ये फिक्स करके दे देती है कि आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, ओवरऑल आप रोज़ा रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।